हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहनों, आप सभी के लिए इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हरियाणा से आ रही है। दो बड़ी खुशखबरी जानेंगे, खबर को विस्तार से आपको बता दें। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, आज हरियाणा में अनलॉक दो का आज 15वां दिन है। वहीं कोरोना की वजह से 3 महीने से बंद रोहतक पीजीआई में ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई है। जी हां, आपको बता दें, कोरोना काल में 3 महीने से रोहतक पीजीआई एमएस की बंद ओपीडी वहीं आज फिर से शुरू हो गई है। इस वजह से मरीजों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जी हाँ, यहाँ अब आर्थो सर्जरी और मेडिकल विभाग की ओपीडी का संचालन शुरू हुआ है। जी आपको बता दें, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एमजी वरिष्ठ ने आदेश जारी किए हैं और वही आर्थो सर्जरी और ऑप्थेलोमोलॉजी में 100-100 और मेडिसिन विभाग में 200 मरीजों को देखा जाएगा। हालांकि बुधवार को पहला दिन होने की वजह से मरीजों की संख्या बहुत ही कम रही है। वही आपको बता दें, ओपीडी में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना, मास्क लगाकर रखना जरूरी होगा। वहीं कोरोना काल में फ्लू क्लिनिक, गायनी और पीडियाट्रिक चेस्ट एनटीबी की ओपीडी का संचालन किया जा सकता है। और जी हां, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, दूसरी खबर है जो कि आपको बता दें, कोरोना काल में 60 बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश में रुचि दिखाई है। जी आपको बता दें, ये जानकारी दी है हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने। जी हां, उन्होंने कहा है कि विभिन्न कंपनियों ने चीन से अपना आधार यानी बेस बदलना शुरू कर दिया है और वे हरियाणा को निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में देख रही हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में न केवल उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाया है, बल्कि राज्य में नई इकाइयों की स्थापना के लिए एक छत के लिए नीचे आवश्यक मंजूरी सहित विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने भूमि और श्रम सुधारों पर काम किया है। इसके तहत राज्य में नई इकाइयां स्थापित करने के अंतर्गत पहले 1000 दिनों के लिए कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों में राहत प्रदान की जाएगी। और वहीं इसके अलावा राज्य के इतिहास में पहली बार राज्य ने निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को लीज होल्ड पर जमीन देने की अनुमति देने का फैसला भी कर दिया है। तो जी हाँ, आप सभी के लिए खबर कैसी लगी? अगर खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार चैनल पर आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।